हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पुष्पक्रम यानी कि इन्फ्लोरिसेंस और फ्लावर यानी कि पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें पुष्पक्रम यानी कि इन्फ्लोरिसेंस के बारे में पढ़ना है। फ्लावर यानी कि पुष्प प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि वह जनन करके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट बनाने के लिए रूपांतरित होता है, मॉडिफाइड होता है। उसके अंदर ऐसी अनुकूलताएँ पाई जाती हैं जो जनन करके नए संतान को निर्माण करने में सहायक होती हैं। पुष्प यानी कि फ्लावर जो होता है वो सामान्यतः एक अक्ष पर लगा हुआ होता है, एक एक्सिस पर लगा हुआ होता है, जिसे नॉर्मली हम पुष्पाक्ष या पुष्पावली वृंत यानी कि पेडंकल कहते हैं। पुष्पाक्ष पर पुष्पों के व्यवस्थित होने का क्रम पुष्पक्रम यानी कि इन्फ्लोरिसेंस कहलाता है। तो यानी कि पुष्पाक्ष यानी कि पुष्पावली वृंत यानी कि पेडंकल पर जो पुष्पों के व्यवस्थित होने का क्रम होता है वो क्या कहलाता है? इन्फ्लोरिसेंस यानी कि पुष्प क्रम कहलाता है। अर्थात पुष्प सामान्यतः ग्रुप में पाए जाते हैं, समूहों में पाए जाते हैं, और जो उसका अक्ष होता है, जिस अक्ष पर पुष्प निकलते हैं, हम उसे पुष्पावली वृंत यानी कि पुष्पाक्ष यानी कि पेडंकल कहते हैं। और उस पेडंकल पर जो पुष्पों के व्यवस्थित होने का क्रम है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प क्रम यानी कि इन्फ्लोरिसेंस कहते हैं। जो पुष्प होता है उसका जो व्रंथ होता है, जिसकी सहायता से वो पुष्पाक्ष पर लगा होता है, उसे हम पुष्प व्रंथ यानी कि पेडिकल कहते हैं। और पुष्प सामान्यतः एक पत्ती समान संरचना के अक्ष से निकलता है, जिसे हम सहपत्र यानी कि ब्रैक्ट कहते हैं। तो पुष्पाक्ष पर पुष्पों के व्यवस्थित होने क्रम इन्फ्लोरिसेंस कहलाता है। लेकिन सामान्यतः सभी पौधों में, ज़्यादातर अधिकांश पौधों में पुष्प समूहों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प एकल होते हैं, अकेले होते हैं, यानी कि वो ग्रुप्स में व्यवस्थित नहीं होते, एकल फ्लावर्स होते हैं, अकेले अकेले फ्लावर्स पाए जाते हैं। ऐसे पुष्पों को हम बोलते हैं एकल पुष्प यानी कि सॉलिटरी फ्लावर्स। और सोलिटरी फ्लावर्स में जो एकल पुष्प का व्रंथ यानी कि पेडिकल होता है उसे पेडंकल ही कहते हैं, क्योंकि इन्फ्लोरिसेंस में बहुत सारे फ्लावर्स हैं तब भी वो पुष्पक्रम है, लेकिन अगर एक फ्लावर है तब भी वो इन्फ्लोरिसेंस होता है, अर्थात पुष्पक्रम होता है। इसीलिए सोलिटरी फ्लावर को भी पुष्पक्रम ही कहते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स के ग्रुप को भी इन्फ्लोरिसेंस कहते हैं। इसीलिए जब पुष्प एकल होता है, अकेला होता है, तब उसका व्रंथ जो होता है यानी कि पेडिकल जो होता है वो पेडंकल ही कहलाता है। एकल पुष्प प्रायः दो प्रकार के होते हैं, सॉलिटरी टर्मिनल यानी कि शीर्षस्थ एकल और सॉलिटरी एक्साइलरी यानी कक्षीय एकल। नाम से पता चल रहा है कि जब कोई एकल पुष्प मुख्य अक्ष अथवा उसकी शाखा के शीर्ष पर उपस्थित होता है, अगर कोई ये शाखा है तो इस शाखा के टिप पर फ्लावर डेवलप होगा, या ये ब्रांच है, इस ब्रांच की शाखा पर टिप पर यानी कि टॉप पर प्रेजेंट होता है, तब इस प्रकार के पुष्प को हम क्या बोलते हैं? सोलिटरी टर्मिनल। टर्मिनल मतलब टिप पर। तो शाखा के शीर्ष पर या मुख्य अक्ष के शीर्ष पर जब पुष्प अकेला प्रेजेंट होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? सोलिटरी टर्मिनल यानी कि शीर्षस्थ एकल। एग्जाम्पल है क्रोटोलेरिया। लेकिन अगर पत्ती के कक्ष से स्थित होता है, यानी कि अगर कोई फ्लावर, ये लीफ है, इस लीफ के अक्ष से अकेला एक फ्लावर निकलेगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे? सोलिटरी एक्सिलरी, यानी कि सोलिटरी एक्सिलरी का मतलब कक्षीय एकल, कक्ष से निकलने वाला, एक्सिस से निकलने वाला। एग्जाम्पल है पिटूनिया। अब पुष्प क्रम के प्रकार, अब हम इसको अंतर के रूप में भी पढ़ेंगे, कभी कभी इसका अंतर पूछ लेते हैं, रेसिमोस में और साइमोस में अंतर क्या होता है। दो प्रकार का होता है, असिमाक्षी यानी कि रेसिमोस और ससिमाक्षी यानी कि साइमोस। असिमाक्षी पुष्प क्रम में जो इन्फ्लोरिसेंस एक्सिस होता है यानी कि जो पेडंकल होता है,
उस पेडंकल की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि असीमित होती है। और यहां पर जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होता है, यहां पर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस निकला और इस पर फ्लावर निकलने स्टार्ट हुए। इसके बाद इसकी ग्रोथ और हो जाएगी, पुष्प इसमें से और निकलेंगे, फिर और हो जाएगी। अर्थात तो इसमें जो पुष्प अक्ष यानी कि पेडंकल की जो वृद्धि होती है वो असीमित होती है, और पेडंकल के शीर्ष पर उपस्थित जो कलिका होती है वो पुष्प में रूपांतरित नहीं होती। लेकिन साइमोज में जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस निकलता है उसके टिप पर जो यहाँ बड होती है, कलिका होती है, वो फ्लावर में मॉडिफाइड हो जाती है, पुष्प में रूपांतरित हो जाती है, जिससे इसकी जो ग्रोथ होती है, इस पेडंकल की या पुष्पाक्ष की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, असीमित नहीं होती है, और उसकी वृद्धि होनी बंद हो जाती है, चेक हो जाती है, और अब आगे वृद्धि नहीं होगी। इसमें जो पुष्प लगते हैं वो एक्रोपेटल सक्सेशन में, एक्रोपेटल क्रम में, यानी कि अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। अग्राभिसारी का मतलब क्या होता है? फ्रॉम बेस टू टिप, ये बेस है, आधार है, और ये टिप है। तो बेस से टिप की ओर जो व्यवस्था होती है, यानी कि जो बेस से टिप की ओर जो वृद्धि होती है या जो उसका जो निकलना होता है पुष्पों का, हम उसको क्या बोलते हैं? अग्राभिसारी, यानी कि एक्रोपेटल सक्सेशन, यानी कि अग्राभिसारी क्रम बोलते हैं। लेकिन जो साइमोज होता है, साइमोज में पहला पुष्प यहां बनता है और बाकी पुष्प नीचे की ओर बनेंगे, तो दूसरा पुष्प यहां बनेगा, माना तीसरा पुष्प यहां बनेगा, तो सक्सेशन कैसा है? वो बेसी पैटर्न, यानी कि तलाभिसारी है, तल की ओर, यानी कि बेस की ओर, टिप से बेस की ओर, यानी कि शीर्ष से बेस की ओर, आधार की ओर जब व्यवस्था होती है तब उसे क्या बोलते हैं? तलाभिसारी। तो और इनमें जो रेसिमोज है उनमें पुष्पों के खुलने क्रम केंद्राभिसारी होता है, यानी सेंट्रीपेटल होता है, मतलब परिधि से केंद्र की ओर जो पुष्प खुलेंगे वो परिधि से केंद्र की तरफ खुलते हैं, जबकि इसमें उल्टा होता है, केंद्रापसारी होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो रेसिमोज और साइमोज में जो बेसिक अंतर है वो क्या है कि जो पेडंकल है इस रेसिमोज में उसके शीर्ष पर उपस्थित कलिका पुष्प में रूपांतरित नहीं होती है, जिसके कारण पुष्पाक्ष की वृद्धि असीमित होती है। पुष्पाक्ष पर पुष्प अग्राभिसारी यानी कि एक्रोपेटल क्रम में लगे होते हैं और पुष्पों के खुलने क्रम केंद्राभिसारी यानी कि सेंट्रीपेटल होता है, अर्थात परिधि से केंद्र की ओर होता है। जबकि सहसीमाक्षी इससे उल्टा होता है कि पुष्पाक्ष के शीर्ष पर उपस्थित कलिका पुष्प में रूपांतरित हो जाती है, जिससे इस पुष्पाक्ष की जो वृद्धि होती है वो असीमित नहीं रह पाती, रुक जाती है, अब वो आगे वृद्धि नहीं करेगा। पुष्पाक्ष पर जो पुष्प होते हैं वो तलाभिसारी यानी कि बेसी पेटल सक्सेशन में लगते हैं, अर्थात पहला पुष्प जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ जो होगा वो लास्ट यानी कि यंगेस्ट फ्लावर होगा, यानी कि सबसे यहाँ पर जो सबसे ऊपर की तरफ पुष्प होगा वो यंगेस्ट होगा, सबसे बाद में बना होगा, इसमें सबसे पहले यहाँ बना होगा, सबसे लास्ट वाला सबसे बाद में बना होगा। और पुष्पों के खुलने क्रम इसमें केंद्राभिसारी होता है, परिधि से केंद्र की ओर, यहाँ पर केंद्रापसारी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र से परिधि की ओर होता है। इसके एग्जाम्पल सरसों, मूली, शहतूत, चांदनी, धनिया, सौंफ, गुलमोहर, गाजर आदि है। इसके एग्जाम्पल बिग्नोनिया, जंकस, बेला, चमेली, आक यानी कि कैलाट्रोपिस, बैंगन, टीक आदि है। अब जो पुष्प है, पुष्प का जो डेफिनेशन है, पुष्प विशिष्ट रूपांतरित प्ररोह है यानी कि शूट है जो लैंगिक जनन संपन्न करने हेतु रूपांतरित होता है, अर्थात एक ऐसा रूपांतरित तना, रूपांतरित शूट जो लैंगिक जनन करके नए संतान बनाने के लिए रूपांतरित होता है, हम उसे पुष्प कहते हैं। यानी कि फ्लावर एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट का, जो मुख्यतः जनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना होता है। उसके अंदर लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अनुकूलताएं पाई जाती हैं। पुष्प जो होता है उसका जो व्रंथ होता है वो पुष्प व्रंथ यानी कि पेडिकल कहलाता है।
पुष्प क्रम का जो व्रंत होता है वो पुष्पावली व्रंत यानी कि पुष्पाक्ष यानी कि पेडंकल कहलाता है, और पुष्प प्राय एक पत्ती समान संरचना से अक्ष से निकलते हैं जिसे सहपत्र यानी कि ब्रैक्ट कहते हैं, और जिनके फ्लावर जिन जो फ्लावर्स सहपत्र यानी कि ब्रैक्ट के अक्ष से निकलते हैं उन्हें हम ब्रैक्टिएट फ्लावर्स बोलते हैं, जबकि वे फ्लावर्स जिनके जिनका जो निर्माण होता है जिनका जो निकलना होता है यानी कि जो एक पत्ती समान संरचना सहपत्र के अक्ष से नहीं निकलते हैं उन्हें हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट्स उपस्थित, ई ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट्स अनुपस्थित, सहपत्र विहीन और सहपत्र युक्त। अब जो पुष्प होता है उसका जो पेडिकल होता है उस पेडिकल का जो अग्रभाग होता है वो कुछ फूला हुआ हो जाता है, वो उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं पुष्पाशन यानी कि थैलेमस और रिसेप्टेकल और टोरस कहते हैं। तो पुष्प का जो पेडिकल होता है यानी कि पुष्प व्रंत होता है उसका जो अग्रभाग होता है वो कुछ फूला हुआ होता है उभरा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं पुष्पाशन यानी कि थैलेमस रिसेप्टेकल और टोरस। पुष्प व्रंत का जो सबसे ऊपरी भाग पुष्पाशन होता है वो फूला हुआ होता है, और पुष्पाशन पर पुष्पीय उपांग उपस्थित होते हैं। पुष्पीय उपांग सामान्यतः मॉडिफाइड रूपांतरित पत्तियां होती हैं, इनमें नोड और इंटरनोड बहुत रिड्यूस्ड होते हैं, और जो पत्तियां होती हैं वो बेसिकली चार प्रकार की होती हैं, एक सेपल्स, एक पेटल्स, सेपल्स को बाह्य दल कहते हैं, पेटल्स को दल कहते हैं, स्टैमंस यानी कि पुंकेसर, और कार्पल यानी कि जो अंडप कहलाता है। अब जो इसके अंदर पुष्पीय उपांग उपस्थित होते हैं उसमें सबसे पहला जो उपांग होता है वो सेपल्स होता है, बाह्य दल होता है, इसमें चार चक्रों में लगे होते हैं ये उपांग, और सबसे बाहरी वाला जो उपांग होता है वो सेपल कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है, और सेपल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम कैलेक्स कहते हैं यानी कि बाह्य दल पुंज। कैलेक्स क्या होता है? सेपल्स का ग्रुप यानी कि बाह्य दलों का जो ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं कैलेक्स कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। और सेपल का जो मेन काम है वो क्या होता है कि वो आंतरिक जो चक्र होते हैं उन चक्रों को सुरक्षा प्रदान करनी होती है, और ये चूंकि सामान्यतः ग्रीन होते हैं हरे होते हैं इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो सबसे बाहरी चक्र जो होता है वो सेपल्स का होता है, दलों का बाह्य दलों का होता है जो सामान्यतः हरे होते हैं, और ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान कराते हैं, बड कंडीशन में कलिका अवस्था में आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और दूसरा काम क्या होता है ग्रीन होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। दूसरा जो वर्ल होता है जो सामान्यतः कलर्ड होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है, रंगीन होता है, उसका जो एक मेंबर होता है वो दल यानी कि पेटल कहलाता है, और पेटल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कोरोला यानी कि दल पुंज। और दल पुंज का दो मेन काम है, क्योंकि ये कलर्ड होते हैं रंगीन होते हैं इसीलिए ये कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं, और आंतरिक अंग जैसे फीमेल पार्ट और मेल पार्ट उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसके दो काम क्या हो गए, एक तो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना, और दूसरा जो आंतरिक अंग है मेल और फीमेल पार्ट उनको सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा जो पार्ट होता है जो तीसरा वर्ल होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, नर जनन अंग होता है, और नर जनन अंग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं पुंकेसर कहलाते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उनको स्टैमंस। और स्टैमन तीन भागों में बटा होता है, बेसिकली फिलामेंट जिससे वो अटैच होता है, ऊपर की तरफ उभार लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एंथर कहते हैं यानी कि पराग कोश बोलते हैं, जो पराग कोश होते हैं सामान्यतः वो दो लोब्स में बटे होते हैं,
और इन दो लोब्स को जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव करता है। इसके अंदर एक लोब के अंदर दो लघु बीजाणुधानी, यानी कि माइक्रो स्पोरेंजियम, प्लूरल माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होती है और इनको पोलन सैक भी कह देते हैं। और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स यानी कि पराग कणों का निर्माण होता है। जो फीमेल पार्ट है उसको जायांग बोलते हैं, उसका जो ग्रुप होता है, और इसका जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोईशियम यानी कि पुमंग। और जो फीमेल पार्ट होते हैं हम उसे बोलते हैं कार्पल यानी कि अंडप, और जो अंडप का ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं गाइनोईशियम यानी कि जायांग। जो एक कार्पल होता है वो तीन भागों में बटा होता है। ऊपर वाला पार्ट फूला हुआ था, उभरा होता है, इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं यानी कि वर्तिकाग्र बोलते हैं। नीचे वाला पार्ट लंबा पतला होता है, इसे हम स्टाइल यानी कि वर्तिका कहते हैं। और नीचे का फूला हुआ पार्ट अंडाशय यानी कि ओवरी कहलाता है। स्टिग्मा का जो काम है वो यहाँ से पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना होता है, चाहे वो एयर से आए, चाहे वो इंसेक्ट से आए, या किसी भी माध्यम से आए। यहाँ पर पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और पोलन ग्रेन, और यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका। और पोलन ट्यूब बोलते हैं इसको। और स्टाइल का काम है पोलन ट्यूब को नीचे लेकर जाना। यहां पर इसके अंदर एक या एक से अधिक अंडाशय यानी कि ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल के अंदर भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक होता है, और एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल होती है। साथ में दो डेफिनेट न्यूक्लियस बीच में होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं और सिनर्जिड्स होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स हैं इस पोलन ट्यूब को बनाते समय दो मेल गैमेट बनाती है। एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होकर जायगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है, जबकि एक मेल गैमेट दूसरे जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है उनसे फ्यूज होकर थ्री एन पैन बनाता है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जो आगे जाकर एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष बनाती है। जबकि आगे जाकर जायगोट जो होता है वो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनाता है, और भ्रूण आगे जाकर नया प्लांट नया पौधा बनाता है, और एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष जो होता है वो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नया प्लांट डेवलप होता है जिसके लिए फ्लावर के वेरियस पार्ट मॉडिफाइड होते हैं। और जो इसमें मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है यानी कि एंड्रोईशियम और गाइनोईशियम दोनों जो पार्ट हैं ये मेन ऑर्गन्स होते हैं, मेन वाल्व्स होते हैं, मेन चक्र होते हैं, यानी कि ये लैंगिक अंग होते हैं। यानी कि सेक्सुअल वाल्व्स होते हैं, चक्र होते हैं, और इनको प्राइमरी यानी कि प्राथमिक और नेसेसरी वाल्व्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका प्रमुख कार्य गैमीट्स यानी कि युग्मकों का निर्माण करना होता है, अर्थात ये रिप्रोडक्शन में जनन में सीधे भाग लेते हैं। सीधे भाग लेने का मतलब क्या है? ये युग्मक बनाते हैं और युग्मक फ्यूज होकर जायगोट, और जायगोट से नया पादप बनता है। लेकिन जो कैलेक्स और कोरोला है यानी कि सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं उन्हें हम सहायक अंग बोलते हैं। सहायक अंग क्यों बोलते हैं इनको, एसेसरी ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में जनन में सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि ये जनन में सहायता करते हैं। सहायता कैसे कर रहे हैं कि ये बड कंडीशन में सेपल्स आंतरिक
अंगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो बर्ड कंडीशन में जो आंतरिक ऑर्गन्स है, मेल और फीमेल पार्ट्स है, पेटल्स है, वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे आगे जाकर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा, पेटल्स जो होते हैं, कोरोला जो होता है वो ब्राइटली कलर्ड होता है, ब्राइटली कलर्ड होने से, रंगीन होने से ये पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। इसके अलावा ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, मेल और फीमेल पार्टों को सुरक्षा ही प्रदान करता है। तो इसीलिए जो सेपल्स पेटल्स हैं, यानी कि बाह्य दल और दल, यानी कि कैलेक्स और कोरोला, यानी कि बाह्य दल पुंज और दल पुंज सहायक अंग कहलाते हैं, नेसेसरी अंग नहीं कहलाते, एसेसरी अंग कहलाते हैं। और जो स्टैमन और कार्पल, यानी कि पुंकेसर और अंडक और एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम जो होते हैं, वो लैंगिक अंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं या सेक्सुअल वाल्व्स कहलाते हैं। इन्हें प्राइमरी और नेसेसरी वाल्व्स बोलते हैं, क्योंकि ये जनन में सीधे भाग लेते हैं और जनन के लिए युग्मकों का निर्माण करते हैं, जो आगे जाकर फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं और जायगोट से नई संतान बनती है। इसीलिए ये सेक्सुअल वाल्व्स या लैंगिक अंग कहलाते हैं। इनको प्राइमरी और नेसेसरी वाल्व्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जनन के लिए कंपलसरी होते हैं, क्योंकि अनेक प्लांट्स में ये नहीं भी हो सकते या लेस डेवलप्ड हो सकते हैं, लेकिन इनके बिना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इनके बिना जनन हो जाएगा, लेकिन इनके बिना जनन नहीं हो सकता। इसीलिए ये प्रमुख अंग होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, सेक्सुअल वाल्व्स होते हैं, प्राइमरी और नेसेसरी यानी कि प्राथमिक और आवश्यक अंग होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।